पंडितों की एक टोली अमरनाथ यात्रा पर जा रही थी। वे सोच रहे थे, क्या ये उनकी आखिरी अमरनाथ यात्रा है? क्या वे दोबारा यहाँ आ सकेंगे? नहीं। इतना सोचते ही उनके मन दुख और भय से भर गए। आखिर क्यों दुखी थे ये ब्राह्मण? मुस्लिम शासक औरंगजेब ने कश्मीर के पंडितों को 6 महीने में हिंदू धर्म त्याग, इस्लाम अपनाने का आदेश दिया था। कोई रास्ता ना देख वे अमरनाथ यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में पहलगाम में ठहरना निश्चित हुआ। कुछ ही देर में वहां एक और टोली आ पहुंची। ब्राह्मण मुखिया कृपाराम ने उन साधारण लोगों में एक असाधारणता देखी। उनकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। मालूम किया तो पता लगा कि यह उनके गुरु तेग बहादुर के कारण था। क्या वे इतने साहसी हैं? वे हमारी सहायता करेंगे, हमें एक बार उनसे मिलना चाहिए। इसी आशा में पहलगाम से 16 पंडितों की टोली गुरु तेग बहादुर से मिलने निकल पड़ी। 1 महीने में टोली आनंदपुर पहुंच गई। कृपाराम ने गुरु साहिब को समस्या बताई। गुरु तेग बहादुर ने कहा, आप सभी थक गए होंगे, जाइए आराम कीजिए, कल सुबह भेंट करेंगे। सभी पंडित आराम करने चले गए, जबकि गुरु गहन चिंतन में डूब गए। पास बैठे बेटे ने पूछा, इनकी समस्या का समाधान क्या है? गुरु ने कहा,